दीपिका के साथ धमाल मचाने के बाद किंग खान अब नजर आएंगे नयनतारा के साथ। पठान से कई गुना बेहतर होने वाले हैं जवान फिल्म के गाने। शाहरुख खान बॉलीवुड में किंग खान के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा शाहरुख खान ने बॉलीवुड में हमेशा एक रोमांटिक हीरो से अपनी छवि बनाई है, लेकिन अब शाहरुख खान अपनी छवि को बदलना चाहते हैं और वो बदल भी रहे हैं। जी हाँ, शाहरुख खान अब मास एक्शन हीरो बनना चाहते हैं और शाहरुख खान इस जॉनर में काफी फिट भी होते हैं। उसका बेस्ट रिसेंट एग्जांपल है पठान। पठान फिल्मों में शाहरुख खान ने रोमांस को छोड़ के कुछ अलग ट्राई किया था, जिनमें वो एक मास एंटरटेनिंग हीरो बनते हुए दिखे थे और शाहरुख खान का ये अवतार लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद शाहरुख खान की एक और जो फिल्म आने वाली है जिसका नाम है जवान, इसमें भी शाहरुख खान एक मास हीरो के तौर पर नजर आएंगे। शाहरुख खान अपने फैंस को अब ज्यादा एंटरटेन करना चाहते हैं। शाहरुख खान अब समझ चुके हैं कि रोमांस का वो दौर चला गया जो वो 90s में किया करते थे, और शायद यही कारण है जो शाहरुख खान अब ऐसी तगड़ी स्क्रिप्टें चूज कर रहे हैं। बता दें कि जवान फिल्म पठान से भी बड़ी फिल्म बताई जा रही है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। पठान फिल्म साउथ इंडियन में से तो उतना खास कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन शाहरुख खान की जवान फिल्म साउथ इंडियन में भी काफी धमाल मचाएगी, और उसका सबसे बड़ा रीजन है वहाँ के एक्टर। जी हाँ, जवान फिल्मों में सिर्फ शाहरुख ही नहीं बल्कि तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो थालापति विजय का कैमियो होगा, विजय सेतुपति का विलन का रोल होगा और नयनतारा हीरोइन के तौर पर नजर आएगी। यानी कि शाहरुख खान जवान फिल्मों को लेकर बड़ा प्लान कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये फिल्मों में गाने भी एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे, और ये गाने पठान से भी काफी दमदार होंगे और मास सॉन्ग होंगे, क्योंकि शाहरुख खान ने ठान ली है कि अब उनकी आने वाली फिल्मों में गाने से लेकर एक्शन सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। बता दें कि मार्च महीने में शाहरुख खान जवान फिल्म के एक धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग करने वाले हैं, और ये गाना नयनतारा और शाहरुख खान के बीच आजमाया जाएगा, जिनमें शाहरुख खान और नयनतारा का जबरदस्त डांस देखने को मिलने वाला है। बता दें कि ये गाना पूरा साउथ स्टाइल में होगा। उसका म्यूजिक जो साउथ के गानों में हमें सुनने को मिलता है, इस टाइप का सुनने को मिलेगा। बात करें जवान फिल्म की तो ये फिल्म जून महीने में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं एटली कुमार, और ये फिल्म में शाहरुख खान के अलावा विजय सेतुपति, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा जैसे कई सारे दमदार कलाकार नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है ये फिल्मों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।